झारखंड के कोडरमा की एक बच्ची का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छठवीं में पढ़ने वाली लड़की के सवाल सुनकर हर कोई हैरान है। लड़की चुनौती देते हुए पूछ रही है कि क्या केवल डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ेंगे, मजदूरों के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। मेरे माता पिता मजदूरों के साथ धरना दे रहे हैं, इसलिए मैं भी धरना देने आई हूँ। मैं प्रधानमंत्री की बेटी नहीं हूँ, मुझे तकलीफ होती है। समा परवीन नाम की इस बच्ची के जवाब देने के अंदाज के लोग कायल हैं। दरअसल मजदूरी का काम बंद होने के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। लड़की दावा कर रही है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, उसके साथ दूसरे मजदूरों के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कोडरमा के डोडाकोला गांव की रहने वाली समा की उम्र महज 9 वर्ष है। परिवार डिवरा स्क्रैप चुनकर अपना भरण पोषण करता है। लड़की ने दावा किया है कि उसके पिता पर पुलिस ने झूठा मुकदमा कर दिया है और चाचा को भी जेल भेज दिया है। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वो धरने पर बैठी रहेगी। डिबरा स्क्रैप मजदूर संघ की ओर से 28 फरवरी से 9 मार्च तक अपनी मांगों को लेकर उपयुक्त धरना दिया जाता रहा, मगर अब ये धरना खत्म होने के बाद भी लड़की अपने चाचा और अपने पिता के न्याय के लिए गुहार लगा रही है। धरना देते समय इस बच्ची का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसे बाद में राजस्थान यूथ कांग्रेस के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया और कैप्शन दिया गया कि ये प्रियंका गांधी के द्वारा जगाई गई लड़कियों की आवाज है। अब दिलचस्प बात ये है, जहां एक ओर राजस्थान यूथ कांग्रेस इस वीडियो को शेयर कर प्रियंका गांधी की तारीफ कर रही है और कह रही है कि ये प्रियंका गांधी के द्वारा जगाई गई आवाज है, वहीं राजस्थान यूथ कांग्रेस के नेताओं को ये बात भी जान लेनी चाहिए कि ये बच्ची झारखंड की है और झारखंड में इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और उसके साथ अलायंस है कांग्रेस पार्टी का। यानी डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली ये बच्ची कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही बोल रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता इस लड़की के पास पहुंचे और उन्होंने लड़की से क्या कुछ बात की, सुनिए इस वीडियो में। क्या तुम भी धरना में गई थी? हाँ। तुमको क्या कष्ट है? जो मजदूर को कष्ट था वो हमको भी कष्ट था। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी है जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम भी तो डिबरा चुनकर अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन डिबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसी तरह हम लोग अपना भविष्य खराब करके रखें और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे, मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? नहीं, हम तो वहाँ पास से डीसी साहब तो पास से गुजर के गए, लेकिन गाड़ी का शीशा खोल के भी नहीं देखे। वो हमको बुलाएंगे और मेरे पापा पर ये झूठा मुकदमा में केस हुआ, ये केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हुआ, मेरे पापा एसपी साहब और डीसी साहब को दो बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन केस का जांच नहीं कर रही है। और मेरे एक अंकल को जेल भी भेज दिया गया। क्या पुलिस केस का जांच नहीं करेगी और सबको अंदर भेज देगी? हम लोग भी रोड जाम करेंगे, हम लोग भी अंदर जाएंगे, सभी को जेल भेज दीजिए। लेकिन डिबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। क्या इसी तरह हम लोग अपना भविष्य खराब करके रखें और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? कौन सा क्लास में पढ़ती हो? 6। धरने में बोलने के लिए कौन सिखाया है? कोई नहीं सिखाया, मैं अपने मन से बोली। अच्छा, अपने मन से बोली है? हाँ। तो आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों की यही मांग है कि जब तक डिबरा चालू नहीं होगा तब तक हम लोग वहीं रहेंगे। मतलब यहीं जमी रहेगी? हाँ। बात मनवा के ही जाओगी? हाँ। इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए कोडरमा से जय सिन्हा की रिपोर्ट।